पहाड़ों की तरह मैदानी इलाकों का हाल भी बुरा है। भारी बारिश शहरों से लेकर हर जगहों पर तबाही मचा रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आसमानी आफत की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो डराने वाली हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मौसम का कहर जारी है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से नदियां उफान पर। अब तक प्रदेश में 13.28 इंच बारिश हो चुकी है। नर्मदापुरम में तवा डैम के 13 में से 3 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। शुक्रवार को 11 गेट खोलने पड़े थे। तवा डैम से पानी छोड़े जाने पर नर्मदापुरम, धार, अलीराजपुर, हरदा, देवास, सीहोर, रायसेन और खंडवा जिले में नर्मदा किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट जारी किया गया। नर्मदापुरम के भांबारी गांव में लाठिया नदी ने ऐसा उत्पात मचाया कि पूरा गांव जलमग्न हो गया। गांव के लोग घर से बाहर निकलने के लिए पानी से गुजरकर ही रास्ता पार कर रहे हैं। शायद ये हालात इस समय दिखाते हैं नर्मदापुरम में, जहां पर इस समय इस गांव के अंदर आप देखेंगे तो आपको हर जगह, हर इलाका जलमग्न नजर आएगा। मेरे ठीक पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये घर जो है वो बाढ़ की वजह से टूट चुका है। इसकी दीवार ढह गई है और लगातार अब यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये पानी जो है वो कब उतरेगा। फिलहाल जहाँ मैं खड़ा हूँ, लगभग ये पानी 3 से 4 फीट गहरा है और आगे हम और जाएंगे तो वहाँ पर और ज्यादा गहराई बढ़ जाएगी। गांव के अंदर ये पूरे गांव के हालात ऐसे हैं। यहाँ पूरे इलाके में 4 से 7 फीट पानी भरा हुआ है। कई इलाकों में तो पानी की वजह से लोग गांव के अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं। रात को 2:30 बजे बारिश का बंद थी, नीचे की बाढ़ से मकान गिरा, लड़के बच्चे सब बाहर हो गए, जो भी सामान था कुछ सामान नीचे दबा पड़ा पानी में, जितना बचाया उतना बचाया। उज्जैन में शिप्रा नदी ने उफान भरा तो पानी मंदिरों के गुंबदों को छूने लगा। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए। तस्वीरें उज्जैन के रामघाट की हैं, जहां छोटे छोटे मंदिर डूब गए। नदी ने उफान मारा तो प्रशासन एक्शन में आया। श्रद्धालुओं के घाट पर जाने पर रोक लगा दी गई, बैरिकेड लगाकर आवागमन बंद कर दिया गया। सीढ़ियों पर स्नान पर भी रोक लगा दी गई। छिप्रा नदी के ऊपर अभी पूरे छोटे रपट के ऊपर 3 से 4 फीट के करीब में पानी होगा अभी, और यहाँ पर आवागमन बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, लोगों को आने जाने से रोक दिया गया। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में। इटारसी की सड़कों पर सैलाब बह रहा है। मध्य प्रदेश के इटारसी में जोरदार बारिश के बाद निचले इलाकों में किस तरीके के हालात बन गए, वो एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बेहद डरावनी तस्वीर है। कांवड़ मोहल्ले की दूसरी तरफ की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जब नाले में दीवार तोड़ करके पानी बाहर जा रहा है तो जो तमाम गाड़ियां इस मोहल्ले में खड़ी हुई हैं वो इस पानी में डूब चुकी है। और तस्वीरों में अगर आप देखें तो सामने वो आपको सफेद एम्बेसडर कार दिख जाएगी, जो इस वक्त पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी है। नीचे से पूरी कार जो है वो डूबी हुई है। क्या दुकान, क्या मकान, बारिश ने घरों में घुसपैठ की है। जो लोग छतों पर नजर आने लगे, आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे निशान बता रहा है, ये निशान बता रहा है कि रात को जो बारिश हुई थी तो उसके बाद हालात क्या हो गए थे। अभी कुछ देर पहले ये पानी उतरा है, पानी का स्तर यहाँ तक था। जहां पर आपको ये एक लकीर सी दिख रही होगी, दरअसल ये वो लकीर है जो पानी के साथ बहके हुए जो झाड़ पत्ती रहती है उसकी ये लकीर बन गई है। इतने नीचे पानी अब फिलहाल आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये पूरा घर का जो आंगन है वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, कम से कम 2 फीट तक। अब घर के अंदर की तस्वीर आप देखिए, ये जो शख्स खड़े हैं ये घर के अंदर पूरा कीचड़ भरा हुआ है इस वक्त। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पांडुरना और जाम नदी की लहरों में उतरना दो युवकों पर भारी पड़ गया। पांडुरना नदी उफान पर है, बड़ी तादाद में लोग नदी की लहरें देखने के लिए जमा हुए, तभी एक शख्स का अचानक पैर फिसला और लहरों में बह गया। मौसम की मार पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जारी। मूसलाधार बारिश का प्रकोप तेलंगाना के भद्राचलम पर भी बरस रहा है। भद्राचलम में गोदावरी नदी का पानी 68 फीट के निशान को पार कर गया है।
कई गांव गोदावरी नदी की पानी के चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए भद्राचलम में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहाँ ये भद्राचलम घाट है जहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज होता जा रहा है, पानी का लेवल कितना ऊंचा उठते जा रहा है। अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में पानी का लेवल जो है 67 फीट तक आ चुका है, जबकि यहाँ पर थर्ड वार्निंग लेवल सिर्फ 53 फीट पर लगा होता है। सारी दुकानें, सारी स्टॉल जो यहाँ तट पर लगी होती हैं उनको ऊपर लाया गया है। सारे मंदिर यहाँ पर जो है वो पानी में पूरी तरीके से डूबे दिखाई दे रहे हैं।